ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है इंटरनेट। द इंटरनेट इज़ वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स दैट कनेक्ट यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट, कमर्शियल एंड अदर कंप्यूटर्स इन ओवर 150 कंट्रीज। देयर आर थाउजेंड ऑफ नेटवर्क, 10,000 ऑफ कंप्यूटर्स एंड मिलियंस ऑफ यूजर ऑन द इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट क्या होता है? एक वाइड एरिया नेटवर्क होता है, वर्ल्ड वाइड पूरा एक फैला हुआ नेटवर्क है। जैसा मकड़ी का जाल होता है, वैसे ही यहाँ पे बहुत बड़ा एक नेटवर्क है जिसमें हजारों कंप्यूटर, लाखों कंप्यूटर आपस में कनेक्ट है, हजारों नेटवर्क आपस में कनेक्ट है। जितने भी डिवाइसेस हैं आजकल, सब के सब नेटवर्क से कनेक्ट होती है। ठीक है, जो कि दिन ब दिन वो बढ़ते जा रहा है। जितने हम लोग नए नए डिवाइसेस खरीदते जाते हैं, नए नए ऑटोमेशन आजकल आ गए, सब के सब नेटवर्क से जुड़े होते हैं। इसी को ही हम लोग इंटरनेट बोलते हैं। इंटरनेट कुछ ऐसा अलग सा, कुछ एक नया प्रोडक्ट नहीं है जिसको ला के हम लोग घर पे लगा लिए और हम लोग इंटरनेट चला लिए, वैसा कुछ भी नहीं होता। हम लोग एक नेटवर्क एक्सेस करते हैं, हम लोग अपने ही अपने आप को जोड़ते हैं उस नेटवर्क से, उसी को ही हम लोग बोलते हैं यहाँ पे नेटवर्क। ओके, यूजिंग द इंटरनेट यू कैन सेंड इलेक्ट्रॉनिक मेल, चैट विद कलीग्स अराउंड द वर्ल्ड एंड ऑब्टेन इंफॉर्मेशन ऑन ए वाइड वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट्स। ठीक है, इंटरनेट एक ऐसा जरिया है जिसके थ्रू हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मेल कर सकते हैं, ठीक है, चैटिंग कर सकते हैं, शेयरिंग कर सकते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन अगर हम लोग को शेयर करना होता है, वो हम लोग कर सकते हैं। साथ में हम लोग वहाँ पे जितने भी अदर सब्जेक्ट्स होते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसकी इंफॉर्मेशन हो सकता है बुक में अवेलेबल ना हो, वो भी सारी चीज़ें आजकल हम लोग को घर बैठे अवेलेबल होती है। हम लोग कोई न्यूज़ देखना चाहते हैं तो हम लोग न्यूज़ देख सकते हैं। ठीक है, कोई रिसर्च अगर नया हो रहा है, अगर उसके बारे में हम लोग जानकारी चाहते हैं तो हम लोग रिसर्च पेपर्स हो गया, जर्नल्स हो गए, वो सारी चीज़ें हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, सोशल मीडिया होते हैं जिसमें हम लोग अदर इंफॉर्मेशन, जो फालतू की चीज़ें होती है, ठीक है, डंप किया जाता है सोशल मीडिया में, वो सारी चीज़ें हम लोग इंटरनेट से ही प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंटरनेट एक ऐसा नेटवर्क है जिसके अंदर वास्ट वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन है, मतलब इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन उसके पास स्टोर है। आज के ज़माने में हम लोग कुछ भी चीज़ टाइप करते हैं तो हम लोग को मिल जाती है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में हम लोग को इंफॉर्मेशन मिलती है, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स की हम लोग को मिलती है, और मिलियंस ऑफ सर्विसेज उसके अंदर मिल जाती है हम लोग को। आज के डेट में अगर हम लोग देखें इंटरनेट में, तो हम लोग को ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ उसमें ईमेल सर्विस मिल रही है, चैटिंग सर्विसेज मिल रही है। ठीक है, उसमें हम लोग ऑडियो वीडियो शेयर कर सकते हैं, फोरम्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारी ऐसे सर्विसेज हम लोग उसमें देखते हैं। तो कुछ एक प्रिंसिप इंटरनेट जो होता है, कुछ अपने प्रिंसिपल्स पे काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं इसके थ्री प्रिंसिपल्स क्या क्या चीज है। सबसे पहले फर्स्ट होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मेल और ईमेल लेट्स यू इलेक्ट्रॉनिकली मेल मैसेजेस टू द यूजर हु हैव इंटरनेट ईमेल एड्रेसेस। डिलीवर टाइम वेरीज बट इट्स पॉसिबल टू सेंड मेल अक्रॉस द ग्लोब। ठीक है, तो हम लोग अगर किसी के पास ईमेल आईडी होगा, ईमेल एड्रेस होगा, तो उसे हमें हम क्या कर सकते हैं, ईमेल या फिर कोई भी इस टाइप का मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, भले थोड़ा डिलीवरी में टाइम होगा, लेकिन वहाँ पे हम लोग पूरे अक्रॉस द ग्लोब, पूरे वर्ल्ड वाइड हम लोग कैसे भी वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मेल सेंड कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग के पास कोई ऐसी लिमिट नहीं होती कि हम लोग के पास कुछ एक लिमिटेड इलेक्ट्रॉनिक मेल ही ट्रांसफर कर पाए, अनलिमिटेड मेल ट्रांसफर किए जा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अब अगर हम लोग कोई भी नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं तो, या फिर कोई मोबाइल नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम लोग के पास लिमिट रहती है एसएमएस भेजने की, कि डेली के हम लोग 100 SMS भेज सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मेल का ऐसा कुछ भी नहीं होता, लाखों मेल हम लोग एक दिन में भेज सकते हैं, लाखों क्या करोड़ों हम लोग मेल एक दिन में भेज सकते हैं। ठीक है, मेल के थ्रू ही हम लोग इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें मेल के थ्रू होती हैं। लाइक हम लोग अगर अपने मेल बॉक्स खोल के देखें, तो वहाँ पे अलग अलग आजकल टैब्स बन गए होते हैं। ठीक है, एक प्राइमरी होता है, प्रमोशंस होते हैं, सोशल होता है, अपडेट्स होता है,
इस टाइप से अलग अलग वहाँ टैब्स बना दिया, कैटेगराइज कर दिया गया उसको, ठीक है। अगर कोई प्रमोशनल रिलेटेड मेल्स हैं तो वो अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आज की डेट में बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई है। तो ईमेल सर्विस जो होती है, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सर्विस ओवर द इंटरनेट, ठीक है, जो हम इजीली अवेलेबल है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर हम लोग नेटवर्क से जुड़ गए तो हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट इलेक्ट्रॉनिक मेल को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल है इसका यूजनेट और न्यूज ग्रुप्स, ठीक है। यूजनेट इज अ सिस्टम ऑफ स्पेशल इंटरेस्ट डिस्कशन ग्रुप्स कॉल्ड न्यूज ग्रुप, टू विच रीडर्स कैन सेंड और पोस्ट मैसेजेस विच आर देन डिस्ट्रीब्यूटेड टू द अदर कंप्यूटर्स इन द नेटवर्क। थिंक ऑफ इट एज अ जायंट सेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड्स। न्यूज ग्रुप्स आर ऑर्गेनाइज अराउंड द स्पेसिफिक टॉपिक, फॉर एग्जाम्पल ऑल्ट डॉट एजुकेशन डॉट रिसर्च, ऑल्ट डॉट एजुकेशन डॉट डिस्टेंस एंड मिस एजुकेशन डॉट साइंस, ठीक है। न्यूज ग्रुप एक ऐसा ग्रुप होता है जिसके अंदर हम लोग जो रीड करते हैं, वहाँ पे जो लोग रजिस्टर्ड होते हैं, वो अपने सब्जेक्ट का टॉपिक या फिर उनके पास कोई ऐसा टॉपिक होगा जो वो पोस्ट करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि अदर यूजर्स भी उसको सुने, पढ़ें और जाने, तो वो वहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। वो पोस्ट जो है पहले वेरीफाई होता है, उसके बाद में अदर जो भी उसके रजिस्टर्ड यूजर्स होंगे वहाँ पे उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब एक प्रकार का मान के चलो बुलेटिन बोर्ड्स होता है, ठीक है। जैसे कि मान के चलो एक फोरम है कोरा, कोरा हम लोग जानते होंगे। कोरा क्या करता है कि वो बहुत सारे पोस्ट एक्सेप्ट करता है, मतलब हम लोग उसे पोस्ट कर सकते हैं, पोस्ट हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग को लग रहा है कि ये इंफॉर्मेशन जो है लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसे पोस्ट डाल दिए और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो डिस्ट्रीब्यूट हम लोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, लाइक हम लोग सिर्फ इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो वहाँ इंडिया सेलेक्ट करके हम लोग उसको कर देंगे, या फिर अगर हम लोग को पूरे वर्ल्ड वाइड करना है तो वर्ल्ड वाइड हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। या फिर किसी पर्टिकुलर पर्सन ऑफ ग्रुप्स को कर सकते हैं, जैसे किसी डॉक्टर्स को करना है या इंजीनियर्स को करना है, या फिर हम लोग किसी CA को करना चाहते हैं, या कोई अकाउंट से रिलेटेड कोई वर्क करता है उसके लिए हम लोग करना चाहते हैं, या किसी वर्कर्स के लिए है, या किसी पर्टिकुलर कंपनीज के लिए है, तो उसके लिए भी हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये सारे जो टॉपिक्स होते हैं तो वो सब डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, और यहाँ पे मतलब ऐसे वैसे टॉपिक बिल्कुल नहीं होते, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे होते हैं, ओके। तो इसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं न्यूज ग्रुप्स। न्यूज ग्रुप जो है बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं आज के जमाने में, ठीक है। वैसे अगर प्रोग्रामर्स के लिए अगर देखा जाए तो स्टैक ओवरफ्लो है, वैसे ही बहुत सारे यहाँ पे ग्रुप्स बन गए हैं। थर्ड प्रिंसिपल है इंफॉर्मेशन फाइल्स, ठीक है। गवर्नमेंट एजेंसीज, स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज, कमर्शियल फर्म्स, इंटरेस्ट ग्रुप्स एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स प्लेस ए वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑनलाइन। द फाइल्स वेयर ओरिजिनली टेक्स्ट ओनली बट इंक्रीजिंगली कंटेन पिक्चर्स एंड साउंड, ठीक है। यहाँ पे थर्ड प्रिंसिपल है इंफॉर्मेशन फाइल, जिसमें गवर्नमेंट एजेंसी, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, कमर्शियल फर्म्स, इंटरेस्ट ग्रुप्स, ठीक है, ऐसे बहुत सारे आज के डेट में फर्म्स या फिर जो इंडिविजुअल्स भी हो गए पूरी इंफॉर्मेशन फाइल्स को सेंड करते हैं, ठीक है। जैसे कि इसका सबसे अच्छा एक एग्जाम्पल देता हूँ, टेलीग्राम। टेलीग्राम आज के डेट में इंडिया का इतना पॉपुलर मैसेंजर हो गया है, जिसके अंदर हम लोग मल्टीपल चैनल्स क्रिएट कर सकते हैं, मल्टीपल ग्रुप्स वहाँ क्रिएट कर सकते हैं, और उस ग्रुप्स में मल्टीपल इंफॉर्मेशन फाइल्स को सेंड कर सकते हैं। वहाँ कोई भी ऐसी लिमिट नहीं होती, वहाँ पे 50 GB की भी अगर फाइल्स होगी तो वो भी हम लोग सेंड कर सकते हैं, और टेलीग्राम से ज़्यादा सिक्योर मैसेंजर कोई नहीं आज तक दुनिया में। तो टेलीफोन के जरिए गवर्नमेंट जो है अपनी एजेंसीज को इंफॉर्मेशन फाइल सेंड कर सकती है, बहुत कॉन्फिडेंशियल फाइल्स होती है, वो भी बेझिझक वहाँ पे सेंड किया जाता है, ठीक है। स्कूल्स अपनी डिटेल्स हो गए, इंफॉर्मेशन फाइल्स हो गए, वो शेयर कर सकते हैं। यूनिवर्सिटीज़ को अगर कोई नोटिस क्रिएट करना है
वो वहाँ कर सकते हैं, मैक्सिमम यूजर्स तक वो पहुँच सकता है, कोई भी एक चैनल क्रिएट करके वहाँ पे हम लोग डाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन फाइल शेयर होती है वो पहले के ज़माने में थोड़ी सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट में शेयर की जाती थी, आज के ज़माने में वो पिक्चर्स में भी शेयर होती है, वीडियोस में भी शेयर होती है, जिप फाइल्स हो गया, पीडीएफ फाइल्स हो गए, वर्ड फाइल्स हो गया, किसी भी प्रकार की फाइल्स के रूप में भी हम लोग वहाँ पे इंफॉर्मेशन को शेयर कर देते हैं। ठीक है, जैसे टेलीग्राम है, अगर हम लोग को मूवी चाहिए ऑनलाइन या फिर जो वेब सीरीज अगर हम लोग देखते हैं, बहुत सारे आजकल OTT प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, ठीक है, अमेजोन प्राइम, नेटफ्लिक्स, Zee5, ठीक है, बहुत सारे आ गए हैं। तो अगर हम लोग को कोई भी एक मूवी देखनी है तो हम लोग को सब्सक्राइब करना पड़ता है, हम लोग सीधा टेलीग्राम में गए, वहाँ चैनल मतलब जो मूवी है वो नाम सर्च किए ऑटोमेटिक आ जाता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से फ्री में रिसोर्सेज अवेलेबल होती है, फ्री में हम लोग वहाँ से फाइल्स को डाउनलोड करके देख सकते हैं। ठीक है, तो इंटरनेट को यूज़ करके यहाँ पे इतनी सारी सर्विसेज बना दी गई है जिसके थ्रू हम लोग बहुत सारे काम जो है आसान कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल, यूजनेट ग्रुप्स या फिर इंफॉर्मेशन फाइल्स। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है इंटरनेट में, जो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, इतनी सारी सर्विसेज हम लोग यूज़ कर सकते हैं। आर्पानेट, आर्पानेट हमारे वर्ल्ड का सबसे पहला नेटवर्क जो एक बड़े नेटवर्क के रूप में जाना गया। इन द लेट 1960s द अमेरिकन डिफेंस एडवांस प्रोजेक्ट रिसर्च एजेंसी, जिसको हम लोग आर्पा के नाम से जानते हैं, लेटर DARPA, इसको डिफेंस भी जोड़ा गया, स्टार्टेड ए रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन द सब्जेक्ट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। वन ऑफ द फर्स्ट रिजल्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट वॉज एक्सपेरिमेंटल 4-नोड नेटवर्किंग स्टार्टिंग इन 1969। 1969 में चार कंप्यूटर को जोड़ के एक नेटवर्क बनाया गया। लेटर द नेटवर्क एक्सपेंडेड टू इंक्लूड सेवरल मिलिट्री इंस्टॉलेशन एंड साइंटिफिक रिसर्च सेंटर्स। इन द मिड 1970s द वर्क बिगन टूवर्ड्स द इंटरनेट विद द आर्किटेक्चर एंड प्रोटोकॉल्स टेकिंग देयर करंट फ्रॉम अराउंड 1978 टू 1979। ठीक है, चार कंप्यूटर को जोड़ के नेटवर्क का एस्टेब्लिशमेंट किया गया, उसके बाद उसको धीरे धीरे बढ़ा के उसमें एक्सपेरिमेंट्स और किए गए, साथ में फिर वो मिलिट्री के लिए यूज़ किया गया, मतलब डिफेंस ने ही उसको बनाया था, तो सबसे पहले मिलिट्री में उसको यूज़ किया गया, या फिर जो साइंटिफिक रिसर्च सेंटर्स होते हैं उसको भी आपस में जोड़ा गया। तो इस प्रकार से आर्पानेट से हमारे कंप्यूटर नेटवर्क की शुरुआत हुई थी। ठीक है, mid-90s में नेटवर्क जो है मिलिट्री के साथ, रिसर्च सेंटर के साथ और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल कनेक्शंस वहाँ पे हो गए थे, जो उस नेटवर्क के साथ जुड़ के अपने चीज़ें शेयर कर रही थी, इंफॉर्मेशन शेयर कर रही थी। तो वहाँ से mid-1970s से इंटरनेट का जन्म हुआ, और साथ में उसका आर्किटेक्चर भी बनाया गया और कुछ प्रोटोकॉल्स भी बनाए गए जिसको हम लोग आज के डेट में हम लोग पढ़ते हैं। आगे देखते हैं, द इंटरनेट एज वी नो इट टुडे अराउंड 1980s व्हेन डार्पा स्टार्टेड टू यूज TCP/IP प्रोटोकॉल स्टैक ऑन ऑल इंस्टॉलेशन कनेक्टेड टू द डार्पा इंटरनेट। ठीक है, डार्पा ने क्या किया कि वहां पे सबसे पहला प्रोटोकॉल स्टैक उसने यूज किया TCP/IP, जो उसके सारे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस थे वहां पे उसको इंस्टॉल किया गया, TCP/IP प्रोटोकॉल्स को यूज किया गया, ताकि हम लोग को पता चले कि जो हम लोग वहाँ डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं, वो पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, मतलब जो इतना नेटवर्क हम लोग ने बना के रखा है वो अगले पर्सन तक रीच कर रहा है या नहीं कर रहा है, जो भी मैसेजेस हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं वो अगले बंदे तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा। ठीक है, तो वो चीजें जानने के लिए यहाँ पे TCP/IP प्रोटोकॉल का जन्म हुआ, और उसने सभी अपने मिलिट्री इंस्टॉलेशन मतलब जो उसके सेंटर्स थे वहां पे उसको इंस्टॉल किया गया।
The transition ended in the beginning of 1983 when TCP/IP became the only protocol stack allowed on the internet. This is still the current situation on the internet, but now it has grown to several thousands of nodes and millions of users. The countries connected to the internet are illustrated in the figures below. ठीक है, पहले क्या था, सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री या फिर डिफेंस के लिए ही मतलब कनेक्ट कोई भी कंप्यूटर नेटवर्क का यूज किया जा रहा था, लेकिन आज के डेट में इंटरनेट जो है वो थाउजेंड्स ऑफ नोड्स है, मिलियंस ऑफ यूजर्स उसके अंदर कनेक्ट है, या फिर पूरे के पूरे वर्ल्ड में. ठीक है, यहाँ पे एक डायग्राम है. ठीक है, यहाँ पे देखो, जो ब्लू वाला है वो इंटरनेट से कनेक्ट हो, जितने भी है वो इंटरनेट से कनेक्ट है. यहाँ पे देखते हैं, ब्लू है वो इंटरनेट है. ठीक है, रेड है वो बिटनेट बट नॉट इंटरनेट. ठीक है, ग्रीन वाले जो है वो ईमेल, यूयूसीबी, फिडोनेट और ओएसआई. ठीक है, जो येलो वाले हैं नो कनेक्टिविटी. ठीक है, तो यहाँ पे जो इतनी सारी कंट्रीज है, यहाँ पे हम लोग पूरी वर्ल्ड का मैप देख रहे हैं और यहाँ पे इतने सारे कंट्रीज है, ब्लू कलर में जो दिख रहा है पूरे के पूरे इंटरनेट से कनेक्ट है. मतलब मैक्सिमम अगर हम लोग बोले तो 80% जो वर्ल्ड में कंट्रीज है वो इंटरनेट से आज के डेट में कनेक्ट किए गए. ओके, देन उसके बाद जो रेड कलर में है वो बिटनेट, मतलब बिटनेट मींस एक ऐसा नेटवर्क होता है जो सिर्फ और सिर्फ अपने ही कंट्रीज में यूज किया जाता है. वो कुछ एक ऐसी कंट्रीज होती है, उनके कुछ एक प्रोटोकॉल्स होते हैं जो अपनी इंफॉर्मेशन बाहर शेयर नहीं करती है कभी भी. तो वैसे कंट्रीज जो है वो बिटनेट या फिर इस प्रकार के एक नेटवर्क का यूज करते हैं. जो ग्रीन कलर में दिख रहा है वो ईमेल्स का यूज करते हैं, कुछ एक जंगल इलाका होता है. ठीक है, जहाँ पे कनेक्टिविटी बहुत लो होती है, जहाँ तक रीच करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. ठीक है, वहाँ पे ईमेल्स का यूज किया जाता है. वहाँ पे जैसे यूयूसीपी, फिडोनेट, ये सारा यूज किया जाता है. ठीक है, फिडोनेट एक ऐसा सैटेलाइट नेटवर्क होता है जिसके थ्रू हम लोग कुछ एक टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं या फिर कुछ एक इमेजेस वगैरह सेंड कर सकते हैं. ठीक है, तो उस प्रकार से यहाँ पे हम लोग जुड़े हुए हैं. जो येलो वाला पोर्शन है, ठीक है, वहाँ पे कोई भी कनेक्टिविटी नहीं है, मीन्स टोटल जंगल वाला इलाका है, एकदम फॉरेस्ट है वहाँ पे, तभी वहाँ पे कनेक्ट नहीं हो पा रहे. या तो वहाँ कुछ ऐसे तत्व होंगे, ठीक है, जैसे नक्सलाइट्स होंगे या फिर कुछ ऐसे होंगे, इसी कारण वहाँ कनेक्ट नहीं कर पाए आज तक. ठीक है, तो इस प्रकार के भी कुछ रीजन है जहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं है. तो आर्पानेट से ही शुरुआत किया गया था. नेक्स्ट आते हैं 1988, डार्पा डिसाइडेड दैट द एक्सपेरिमेंट ऑफ आर्पानेट वॉज कम्प्लीट एंड स्टार्टेड टू डिसमेंटल द आर्पानेट दैट अंटिल देन वॉज द बैकबोन ऑफ द इंटरनेट. ठीक है, आर्पानेट ही बैकबोन था इंटरनेट का. ठीक है, जब एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया तो उसने डिसमेंटल करने की कोशिश की है. ठीक है, लेकिन बाद में पता चला कि वही बैकबोन है. हाउएवर एट द सेम टाइम द अमेरिकन नेशनल साइंस फाउंडेशन एस्टैब्लिश्ड द एनएफएस नेट व्हिच देन बिकेम द न्यू बैकबोन नेटवर्क विद अ कैपेसिटी ऑफ 1992 45 Mbps. ठीक है, एनएफएस नेट ने अपना एक नया नेटवर्क बनाया जो कि आर्पानेट से हट के एक नया बैकबोन बना उसका, जो अपनी कैपेसिटी को और बढ़ाया और 45 मेगाबाइट पर सेकंड की स्पीड से डेटा ट्रांसफर करने लगा. ओके, मैनी इंटरनेट ऑर्गेनाइजेशन अदर देन डार्पा हैव इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस ऑन द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द इंटरनेट. ठीक है, ए फ्यू ऑफ देम आर मेंशन बिलो. बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन मिले, ठीक है, और जो इंटरनेट का डेवलपमेंट है उसको आगे बढ़ाया. द इंटरनेट एक्टिविटीज बोर्ड IAB, दिस ऑर्गेनाइजेशन वॉज क्रिएटेड इन 1983 इन ऑर्डर टू गाइड द इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेट डेवलपमेंट. ठीक है, द इंटरनेट एक्टिविटीज बोर्ड, ठीक है, 1983 में यहाँ पे जो इवोल्यूशन हुआ इंटरनेट डेवलपमेंट का, ठीक है, वो और बढ़ाया गया और यहाँ पे दो कंपोनेंट्स को जोड़े गए, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स एंड द इंटरनेट रिसर्च टास्क फोर्स.
दो मेजर कंपोनेंट थे आईएबी के। नेक्स्ट आते हैं इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, आईईटीएफ इज द प्रोटोकॉल इंजीनियरिंग डेवलपमेंट एंड स्टैंडर्डाइजेशन ब्रांच ऑफ द इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड। ठीक है, आईईटीएफ जो था एक ऐसा प्रोटोकॉल था जो कि इंजीनियरिंग या फिर कोई ब्रांच रिलेटेड वहाँ पे कोई एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया गया जो कि अप्लाई किया गया इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड में, जो कि उसके इंजीनियरिंग डेवलपमेंट या फिर जो स्टैंडर्डाइजेशन है उसको मेंटेन कर रहे थे। ठीक है, आईईटीएफ मैनेजेस द रिक्वेस्ट फॉर कमेंट्स या फिर डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, वहाँ पे एक ऐसी सर्विस बनाई गई जिसमें हम लोग एक फोरम टाइप का वहाँ पे बनाया गया जिसमें हम लोग कमेंट्स वगैरह दे सकते थे। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे इंटरनेट रिसर्च टास्क फोर्स, द IRTF इज द रिसर्च एंड डेवलपमेंट ब्रांच ऑफ IAB। IAB का रिसर्च एंड डेवलपमेंट ब्रांच था। दे डू रिसर्च इन द न्यू नेटवर्क टेक्नोलॉजीज। नेक्स्ट ओके, तो यहाँ पे इंटरनेट रिसर्च टास्क फोर्स जो था वो IAB का ही ब्रांच है। नेक्स्ट आता है इंटर एनआईसी इंफॉर्मेशन। इंटर एनआईसी इज अ कोलाबरेशन प्रोजेक्ट ऑफ थ्री ऑर्गेनाइजेशन, जनरल एटॉमिक्स, AT&T एंड नेटवर्क सॉल्यूशन इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, तीनों का कोलाबरेशन था। ठीक है, ये जनरली इनका गोल ये था कि जो भी रिसर्चर्स है, एजुकेटर्स है या फिर जनरल पब्लिक है, सबको एक साथ में ले आए उस नेटवर्क पे, ताकि हम लोग के पास इंफॉर्मेशन का ऐसा ज़्यादा बड़ा सोर्स मिल जाए जिससे हम लोग इंफॉर्मेशन पूरे वर्ल्ड वाइड में शेयर कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा हिस्ट्री था इंटरनेट के बारे में।